आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को पता ही है कि जो ज्योग्राफी के क्लास है वो कंटिन्यू चल रहा है और आज हमारी क्लास नंबर 7th होने वाली है। मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, नहीं आपको कुछ समझ में आता है तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? उड़िया, गुजराती या डोंगरी या बंगला, किसे दिया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़िया। मैं आपको पहले ही क्लास से बताते आ रहा हूँ कि हम इस ज्योग्राफी क्लास में केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें अंत तक, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, पूर्ववर्ती अपवाह का। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा सही हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि गलत हो रहे हैं तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और केवल इसी क्लास को आप लोग मत देखिएगा, इसके पहले मैंने जो 6 क्लासेस अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों की जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरी वो लक्ष्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, अभी हमने पिछले देखा, पिछले प्रश्न में। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या कहलाती है? अभी हमने देखा, दो प्रश्नों में देख लिया, पद्मा, मेघना, हुगली या लोहित। आप सभी को इसका आंसर पता लग गया होगा, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, पद्मा के नाम से जानते हैं। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा के नाम से पुकारते हैं। मैं आपको एक क्लास में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ये एक क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है। तो आप लोग प्लीज़ हो सके तो नोट्स बना लीजिए या तो प्रैक्टिस जरूर करिए, ये नहीं कि केवल आप वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ फ़ायदा आपका नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए या तो आप नोट्स बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या शारदा नदी की, किसकी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा, काली नदी, गोमती, शारदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, काली नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तो स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अभी हमने देखा, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवप्रयाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उस नदी का नाम बताना है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस नदी के तट पर? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं,
भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं यहाँ पे पूछा है, ठीक है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आप लोग ये मत सोचिए कहीं ध्यान, ऐसा क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें दो बार पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं हम एक नज़र में ऐसे पढ़ लिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है, हमने नहीं पे ध्यान नहीं दिया और एग्जाम में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ऐसा मत क्या करिए, ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो नहीं मेरा गायब हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये बातें बता दूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बना रहे, ठीक है? सहायक नदी नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है, बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी सही हो जाएगा, रामगंगा। यह आपका यमुना की सहायक नदी नहीं है। कि मैं जब भी क्या होता है कि कोई मतलब किताब में से कोई क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ तो उसमें मेरा नहीं गायब हो जाता था, मैं ऐसे ही टिक लगा देता था और बाद में गलत हो जाता था। तो मैंने सोचा आपको ये बातें बता दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूच, नंदा देवी या नीलकंठ? यमुना नदी का उद्गम स्थान यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंदरपूच। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यहाँ पर भी पूछा गया है, नहीं मिलती है, केन, बेतवा, सोन या चंबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत क्या करिए, आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि सच में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की जाती है मेरी तरफ से। यदि लगता है कि सर आपके लिए अच्छा मतलब कंटेंट दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आपका मन हो सके वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यदि लगता है तब, यदि लगता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग मत करिएगा, ठीक है? कमेंट भी आप लोग जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, कुछ सुझाव या कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हुआ करें तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर किया करें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? ये हमारा प्रश्न है। छिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेतवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से? किससे मिलती है बेतवा नदी? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमुना से। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सोन। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पटना। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु? उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी का स्रोत यहाँ पे होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगा, सतलज भी, सिंधु भी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? क्वेश्चन कह रहा है मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चगमुडुम, हिमजुम या सांगपो? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सांगपो के नाम से जानी जाती है।
चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत में बांग्लादेश भारत, भारत चीन, बांग्लादेश तिब्बत, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश सिक्किम, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, भूटान या नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन को टाइप इसलिए नहीं किया है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ, और एक ही क्लास में कम से कम 30-35 क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया हुआ है। ये मैंने आपको फ़ोटो खींच कर लगा दिया हुआ है, ठीक है, बुक का ये, तो मैंने बुक से फ़ोटो खींच कर आपको यहाँ पर लगा दिया है कि आप लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, इसलिए मैंने ये काम किया हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने जीके का या जीएस का क्लास देखा होगा, एसएससी जीडी में, उसमें क्वेश्चन की संख्या मात्र 20 या 15 ऐसे ही क्वेश्चन को रखा हुआ है, क्योंकि खुद का टाइप करना रहता है, खुद का काम है, पढ़ना भी रहता है। आप सभी को मैंने बहुत पहले ही बता दिया है, तो आप लोग ये मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊँगा, इतना आप लोग मेरे पर भरोसा करिए, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न आज सही हो पाए, और कुछ सुझाव है तो भी आप हमें दे सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी साथ में कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।